हेलो फ्रेंड्स, चारों मात्र रसोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, सो आइए देख लेते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। हमने कुकर लिया है, हमने ये अपने छोले लिए हैं, ये हमारे लगभग एक कटोरी छोले हैं जिनको हमने ओवरनाइट के लिए सोक करके रखा हुआ था। इसे हमने इस कुकर में ऐड कर देंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लगभग डेढ़ से दो गिलास जितना पानी हमारा इसमें लग जाएगा इसको बॉयल होने के लिए। ये हमने दो गिलास पानी अपना ऐड कर दिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। छोटा सा ऐसे कपड़ा लिया है, बिल्कुल पतला कपड़ा है हमारा, ही जैसे कॉटन का एकदम पतला वाला जो कपड़ा होता है। इसमें हम अपनी 1 टेबल स्पून जितनी जो हमारी चाय की पत्ती होती है वो ऐड करेंगे। छोलों को काला जैसे मार्केट में मिलते हैं या हलवाई बनाते हैं, आपको इस तरीके से अगर बनाने हैं तो आपको उसके लिए ये पत्ती ऐड करनी चाहिए छोलों को बॉयल करते हुए। इससे हमारे छोलों का कलर जो है वो नेचुरली ही डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। एक टुकड़ा हम दालचीनी का इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं वो भी इसी में ही ऐड कर देते हैं, जिससे इसका भी सारा साथ हमारा छोलों में बॉयल होते हुए ही आ जाएगा। 8 से 10 हमने काली मिर्ची ली है। मोटी इलायची हो आपके पास तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। और हमने ये 4 लौंग ली हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब अपने इस सामान की एक पोटली सी हम बना के बांध लेंगे अच्छे से, जिससे जब ये हमारा बॉयल होगा तो सारा का सारा सत सारा इसका रस जो भी है, जो भी इसके फ्लेवर्स हैं, वो हमारे सारे के सारे छोलों में इन्हेंस हो जाएंगे। हमें इसके लिए कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे अपने पानी में ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करते हैं, 1 छोटी चम्मच जितना मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा डालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे रात को सोक करके रखा हुआ है तो ज़्यादा सोडे की हमें ज़रूरत नहीं है। इतने ही सोडे से हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और इसे हम बंद करके अपनी फ्लेम पर रख देंगे। लगभग 2 से 3 विसल हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर दिलाएंगे। उसके बाद लो फ्लेम पर करने के बाद सेम 3 विसल दिला के कुकर को गैस को बंद कर देंगे। जब तक हमारे चने बॉयल होते हैं छोले, तब तक आइए हम अपना आटा लगा के तैयार करेंगे। आटा लगाने के लिए हम इसमें अपनी 2 कटोरी जितनी सूजी ऐड करेंगे, ऐसा नमक ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच जितना नमक मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें हमने ये 1 कटोरी दही लिया हुआ है। दही को अपने इस सूजी में पहले हम ऐड करेंगे अच्छे से। सूजी में दही खूब अच्छे से आपको पहले मिक्स कर लेना है, जिससे सूजी हमारी जो है वो थोड़ी फूल जाएगी। ये देखिए, दही ऐड करने के बाद इस तरीके से आपकी सूजी होगी। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सूजी क्या होगी, थोड़ी सी पफ अप होगी, सॉफ्ट होगी और ये थोड़ी ड्राई और हो जाएगी जब हमारा ये सारा दही पी जाएगी। तो उसके बाद हम इसको एक बाइंडिंग आटे की तरह लगा के तैयार करेंगे। हम कवर करके रख देते हैं ऐसे ही 10 मिनट के लिए। देख सकते हैं हमारे आटे को रखे हुए सूजी को जो है 10 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए कितनी हार्ड हमारी ये ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। इसी कटोरी में ले लेते हैं 1 कटोरी पानी और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी हम ऐड करते हुए एक आटे की तरह डो लगा के तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये एक आटे की तरह लगने को ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, कंबाइंड हो चुका है हमारा ये। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। हमने ये नींबू लिया है, इसमें हम 1 नींबू का रस स्क्वीज आउट कर लेंगे। इससे जो बना के तैयार करेंगे वो एकदम हल्के बनेंगे। अब अपने इस रस को इस आटे में वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा एक आटा लग के तैयार हो गया है सूजी का। इसे हम एक साइड में रखेंगे और लगभग इसे हम 20 से 30 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद ही हम इससे कुछ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे कवर करके रख देते हैं। तब तक आइए अपने छोलों का मसाला बना लेते हैं। छोलों का तड़का लगाने के लिए हमने ये पैन लिया है। इस पैन में मेरा ऑलरेडी 1 टेबल स्पून जितना ऑयल रखा हुआ है। इस पे हम 1 टेबल स्पून जितना ही थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। 1 चुटकी जितनी हींग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। हींग जीरा हमारा हल्का सा जब रोस्ट हो जाएगा तो हमने इसमें लहसुन की कलियाँ ली हैं, 8-10 कलियाँ हैं जिनको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इनको हल्का सा कुक होने देते हैं हमने लहसुन को। लहसुन हमारा हल्का सा एरोमेटिक हो चुका है, कलर भी हल्का गोल्डन ब्राउन इस पर आ चुका है। हमने 2 अनियन लिए हैं जिनको फाइन चॉप किया हुआ है, वो इसमें ऐड करेंगे। और अपने अनियन को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक हम कुक करेंगे। छोलों को एक बार ही ओपन करके चेक करते हैं। देख सकते हैं छोले हमारे काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं। ये देखो, ये इसमें से जो हमारी ये मसाले वाली पोटली है वो निकाल के अलग रख लेंगे और इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं अब छोलों का कलर ऑटोमेटिकली हमारा ऑलरेडी डार्क आया है। हमें इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा डालने की
आप देखेंगे बाद में कोई जरूरत नहीं है, और चाय की पत्ती आप जब डाल के बॉयल करते हैं सो उसका कोई फ्लेवर कोई टेस्ट इसमें इन्हें नहीं आता है। इन्हें एक साइड में रखते हैं, मसाले पे देखते हैं एक बारी। प्याज हमारे देख सकते हैं अच्छे से हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसमें हम अपने टोमेटोस ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज के टोमेटोस लिए थे जिसको फाइन चॉप करके रखा हुआ है, और 2 ही हरी मिर्ची है वो हम अपने प्याजों के साथ ऐड कर देते हैं। 1/4 कटोरी इतना पानी इसमें ऐड करेंगे। अपने इन टमाटोज को अच्छे से कुक करेंगे जब तक एकदम हमारा मसाला अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देता है। इसमें थोड़े सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने अपने छोलों को बॉयल करने में भी लगाया है डाला है, सो हमें उस हिसाब को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐड करना है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं और अपने मसाले को कुक होने देते हैं जब तक कि हमारा ये अपना ऑयल पूरा रिलीज नहीं कर देता है, अच्छे से कुक नहीं हो जाता है। देख सकते हैं हमारा मसाला जो है काफ़ी अच्छे से भून चुका है सारा, अपने उसमें हमने जो इसमें ऑयल डाला हुआ है वो सारा का सारा रिलीज हो चुका है। इसमें अब हम थोड़ी सी 1 छोटी चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे हमारी सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून जितना छोले मसाला है वो भी ऐड कर देंगे, और दोनों मसाले मिर्ची और मसाले को मिक्स करके रख देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और जिससे हमारा अच्छे से और कुक हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा अपना धनिया हम लेके ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। ये अपने छोले हम इस मसाले में ऐड करते हैं क्योंकि हमारा ये मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। छोले अपने हम इसमें ऐड कर देते हैं, मसाले को छोलों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1/2 गिलास जितना पानी हमने बॉयल किया है वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं। आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसे सर्व कर लिया है। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी लाल मिर्च भून ली है घी में, उनको ऐड करेंगे। ऐसा धनिया है उससे हम इसको गार्निश कर देंगे। ये इस तरीके से हमारे छोले बनके तैयार हैं। आइए अब हमने जो अपनी सूजी लगा के रखी थी उससे बना के तैयार करते हैं। सो आइए अपने सरफेस को पहले हल्का सा घी से ग्रीस कर लेते हैं। इस तरीके से 2-4 ड्रॉप्स तेल की आप जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं उससे अपने सरफेस को चकले पे जिस पे आप इसे बेलना चाहें उस पे इसको ग्रीस कर लीजिएगा, और अपनी सूजी में से एक बॉल हम लेके हाथों के बीच में इस तरीके से रखते हुए स्मूथ करेंगे ऑयल में। इसे अच्छे से इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से फैला लेते हैं और बेलन की मदद से इसे हम फैलाते जाएंगे। ना तो हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही एकदम पतला बेलना है, मीडियम हमें इसको बेल के तैयार करना है। इस तरीके से हमें इसे एक बेल के तैयार कर लिया है, और आप देखेंगे इसकी कितनी हमने मोटाई बेल के तैयार करी है। आइए इसे हम फ्राई करते हैं। हमने अपना ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए हीटअप होने के लिए रख दिया था, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का हल्का इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे जिससे कि ये हमारा पफ अप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसे हम फ्लिप कर देते हैं, इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से और भटूरे बना के हम अपने तैयार कर लेंगे। फिर से हमारा ये अच्छे से कुक हो चुका है। वापस से अपनी सूजी में से एक बॉल लेंगे, उसे हाथ बीच में रखते हुए ड्रेन कर लेंगे। घी की कुछ ड्रॉप्स डाल के इसे सरफेस को अपने चिकना कर लेते हैं और इसे हम बेल लेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा भटूरा बन गया है। आइए इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छा से गर्म हो चुका है, इसमें हम अपना सेकंड वाला भटूरा भी ऐड कर देंगे। जितना अच्छा तेल होगा गर्म हमारा उतने ही हमारे अच्छे से परफेक्टली फूल के बन के तैयार होते हैं। ठंडे तेल में अगर आप डालेंगे तो ये हमारे अच्छे से फूलेंगे नहीं। ये देखिए ये भी हमारा दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो चुका है नीचे से, और देखिए साइड से भी। इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से और भी हम भटूरे अपने लगा के बना के तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपने ये छोले भटूरे बना के तैयार कर लिए हैं। आप देखेंगे एकदम फूले फूले हमारे ये भटूरे बन के तैयार हुए हैं। आप इनको इस तरीके से बना के तैयार करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है, तो आपके ये हमेशा फूले फूले ही भटूरे बन के तैयार होंगे। साथ में हमने सैलेड लिया है और ये हमारा अचार हमने साथ में सर्व किया है। तो ये आप इसको त्योहारों पे थाली के रूप में बना के भी तैयार कर सकते हैं, या कभी आपको खुद भी खाने का मन करे तो आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोग ये रेसिपी बना के ट्राई करेंगे, काफी अच्छी और टेस्टी आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। जो टिप्स मैंने इसमें दी हैं उनको भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।